हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को बताएं कि संहिता अध्ययन में 15 चैप्टर आपको किसके पढ़ना है, अष्टांग हृदय के पढ़ना है, और 12 चैप्टर आपको किसके पढ़ना है, चरक संहिता के पढ़ना है। हमने आयुष्कामीय अध्याय जो कि अष्टांग हृदय का प्रथम अध्याय है उसे हमने कम्प्लीट कवर कर लिया है। आज के इस लेक्चर में संहिता अध्ययन के चरक संहिता का प्रथम अध्याय जो कि दीर्घ जीवितम अध्याय उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चरक संहिता से थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं। मैं आपको यहां पर करीबन 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा जो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। हालांकि हम चरक संहिता को डिटेल में कहां पर देखेंगे, आयुर्वेद के इतिहास में देखेंगे, है ना, वहां पर हम अलग अलग संहिता को डिटेल में देखेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में जो आपको मैं शुरुआत में बता रहा हूँ कुछ पॉइंट, वो आपको दिमाग में याद रखना है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे, है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि चरक संहिता का उपदेष्टा कौन है, उपदेष्टा का मतलब क्या होता है, गुरु या शिक्षक। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि चरक संहिता का उपदेष्टा कौन है तो आपके दिमाग में फट से आना चाहिए वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पुनर्वसु आत्रेय। क्या हो जाएंगे, पुनर्वसु आत्रेय। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि चरक संहिता का तंत्रकर्ता कौन है, तंत्रकर्ता का मतलब क्या होता है, राइटर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि चरक संहिता का तंत्रकर्ता कौन है, तंत्रकर्ता का मतलब क्या होता है, राइटर, तो आपके दिमाग में फट से आना चाहिए, आपके दिमाग में फट से आना चाहिए क्या, अग्निवेश। क्या आना चाहिए, अग्निवेश। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि चरक संहिता का प्रतिसंस्कर्ता कौन है, प्रतिसंस्कर्ता का मतलब क्या होता है, रिडक्टर। क्या हो जाएगा, प्रतिसंस्कर्ता, प्रतिसंस्कर्ता, या इसे आप क्या बोल दो इंग्लिश में, रिडक्टर, या आप क्या बोल सकते हैं इसे, एडिटर, या आप क्या बोल सकते हैं, सुधारक। तो कौन हो जाएंगे, महर्षि चरक। कौन हो जाएंगे, महर्षि चरक। यहीं पर याद कर लो तीन चार चीजों को, है ना। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि चरक संहिता के संपूरक, मतलब किसने पूरी कंप्लीट की है चरक संहिता को, तो वो कौन हो जाएंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि संपूरक कौन है तो वो कौन हो जाएंगे, दृढ़ बल। वो कौन हो जाएंगे, दृढ़ बल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 से 4 पॉइंट आपको याद कर लेना है। उसके बाद देखो, अब मैं आपको चरक संहिता में कितने स्थान है और कितने अध्याय है उससे इंट्रोड्यूस करा देता हूं। देखिए, तो देखिए, और यहां से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि फर्स्ट फ्रॉप में आपको कौन सा स्थान पढ़ना है और कितने अध्याय पढ़ना है, सेकंड फ्रॉप में आपको कितने अध्याय पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूंगा। एक बार आप देखते जाइए। देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कि चरक संहिता में, बताया नहीं अब बताने वाला हूं, तो चरक संहिता में कितने अध्याय है, चरक संहिता की अगर हम बात करते हैं तो चरक संहिता में टोटल स्थान है, सबसे पहले आप स्थान देखो, टोटल स्थान कितने हैं, 8 स्थान है, और इन 8 स्थान में टोटल 120 अध्याय है। टोटल कितने अध्याय है, 120 अध्याय है। अगर मैं इन 8 स्थानों को देखूं, तो 8 स्थानों को हम क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, पूर्वार्ध, और दूसरा क्या हो जाएगा, उत्तरार्ध। ठीक है, अगर मैं पूर्वार्ध की बात करूं तो पूर्वार्ध में कितने स्थान है, पूर्वार्ध में 5 स्थान है। अगर मैं उत्तरार्ध की बात करूं तो उत्तरार्ध में कितने स्थान आ जाएंगे, 3 स्थान हो जाएंगे। अब पूर्वार्ध में 5 स्थान कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहला स्थान आएगा यहाँ पर, है ना, सबसे पहला स्थान आएगा कौन सा, सूत्र स्थान। कौन सा स्थान, सूत्र स्थान, जिसमें कितने अध्याय है, 30 अध्याय है। दूसरा स्थान आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा आपका स्थान हो जाएगा यहाँ पर निदान स्थान हो जाएगा, इसमें कितने अध्याय है, इसमें 8 अध्याय है। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करते हैं, तीसरा कौन सा हो जाएगा, विमान स्थान हो जाएगा, विमान स्थान में भी कितने अध्याय है, 8 अध्याय है। ठीक है, चौथा अगर हम बात करते हैं तो चौथा कौन सा हो जाएगा, शारीर स्थान हो जाएगा, कौन सा, शारीर स्थान हो जाएगा, और इसमें कितने अध्याय है, इसमें भी 8 अध्याय है। उसके बाद लास्ट कौन सा, इंद्रिय स्थान, और इसमें कितने चैप्टर है, 12 अध्याय है। ठीक है, वही अगर हम बात करें किसी उत्तरार्ध की, उत्तरार्ध में 3 स्थान है, सबसे पहला स्थान कौन सा है, यहाँ पर सबसे पहला स्थान है चिकित्सा स्थान, कौन सा, चिकित्सा स्थान, इसमें कितने अध्याय है, इसमें 30 अध्याय है। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा कौन सा है, कल्प स्थान, कौन सा, कल्प स्थान, और यहाँ पर कितने अध्याय है, 12 अध्याय है। और तीसरा यहाँ पर कौन सा है, सिद्ध स्थान है,
सिद्धि स्थान है। और यहाँ पर कितने अध्याय है, यहाँ पर भी टोटल कितने 12 अध्याय है। तो भाई अगर हम बात करें पांच स्थान की बात करते हैं या पूर्वार्ध की बात करते हैं, तो पूर्वार्ध में आपको टोटल चैप्टर जो देखने को मिलेंगे वो कितने देखने को मिलेंगे आपको, आपको 66 देखने को मिलेंगे। वही अगर मैं बात करूँ किसकी उत्तरार्ध की बात करता हूँ, तो उत्तरार्ध में आपको टोटल चैप्टर कितने देखने को मिलेंगे, 54 देखने को मिलेंगे। अगर आप इन 66 को 54 से क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो टोटल चैप्टर कितने जाएंगे, टोटल चैप्टर कितने होंगे 6, 4, 10, 1 के रिंग 6, 5, 11, 1, 120। तो टोटल अध्याय इस तरह से 66 अध्याय तो किसके हो गए अपने पूर्वार्ध के हो गए, और 54 अध्याय किसके हो गए अपने उत्तरार्ध के हो गए। तो इस तरह से चरक संहिता में टोटल अध्याय जो होते हैं कितने परसेंट होते हैं, 120 अध्याय है। कितने अध्याय है, 120 अध्याय है, जिनमें से 66 अध्याय जो है वो किसके हैं पूर्वार्ध के हैं, और 54 अध्याय जो है वो किसके हैं उत्तरार्ध के। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उनमें से अगर हम बात करते हैं तो पूर्वार्ध के सूत्र स्थान के शुरुआत के 12 चैप्टर हमको किसमें पढ़ना है, बीएमएस फर्स्ट फ्लोर में पढ़ना है। किसमें, बीएमएस फर्स्ट फ्लोर में। और जब आप क्या करेंगे सेकंड प्रोफ में जाएंगे कहाँ पर निदान स्थान आएगा, विमान स्थान आएगा, साइड स्थान आएगा, और क्या आ जाएगा, इंद्रिय स्थान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बीएमएस फर्स्ट फ्लोर में कितने अध्याय पढ़ना है, पूर्वार्ध के सूत्र स्थान के शुरुआत के 12 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से हम क्या करने जा रहे हैं, पहला अध्याय जो कि दीर्घ जीवितम अध्याय, उसे आज के इस लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको चरक का बेसिक बतला दिया है, और मैंने आपको यहाँ पर चरक से इंट्रोड्यूस भी करा दिया है। डिटेल में हम कहाँ पर देखेंगे, पूरा चरक संहिता का डिटेल, इसमें कितने श्लोक प्रेजेंट है, कितने सूत्र प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम आचार्य चरक के बारे में भी देखेंगे, तो कहाँ पर देखेंगे डिटेल में, जब हम आयुर्वेद का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको बेसिक चीज यहाँ पर बतला दी है, जो मैंने आपको बतलाया है उतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दीर्घ जीवितम अध्याय में यहाँ पर पहला श्लोक दिया गया है, आप देख सकते हैं पहला श्लोक यहाँ पर दिया गया है, अतः तो दीर्घ जीवितम अध्यायम व्याख्याश्यामः। आप इसका अर्थ देख सकते हैं, अस शब्द से मंगल कर लेने के बाद सर्वप्रथम दीर्घ जीवित नामक अध्याय की व्याख्या कर रहा हूँ, ऐसा भगवान आत्रेय कहते हैं। तो देखो क्या हो गया था, अग्निवेद जो थे उनको क्या थी, दीर्घ आयु की इच्छा थी, मतलब दीर्घ आयु की इच्छा रखते हुए वो किसके पास जाते हैं, आत्रेय के पास जाते हैं। ठीक है, तो आत्रेय जो होते हैं वो क्या करते हैं, मांगलिक शब्दों का उपयोग करते हुए, जैसे कि बात करते हैं अथ हो गया, है ना, या ओमकार हो गया, ये सब क्या होते हैं, कुछ मांगलिक शब्द होते हैं। पौराणिक काल में क्या होता था, अथ ओम इस प्रकार से क्या किया जाता था, मांगलिक शब्दों का उपयोग किया जाता था। जब भी कोई शुभ कार्य करते थे, जब भी कोई ग्रंथ लिखते थे, है ना, तो इस तरह से मांगलिक शब्दों का उपयोग किया जाता था, ताकि उनका जो भी कार्य वो करने जा रहे हैं वो क्या हो, सफल हो। तो इस प्रकार से अथ जैसे मांगलिक शब्दों का उपयोग करते हुए आत्रेय जो होते हैं वो क्या करते हैं, दीर्घ जीवितम अध्याय की व्याख्या करते हैं। ठीक है, अब देखो ये अत जो इसे मांगलिक शब्द क्यों बोलते हैं, इसे मांगलिक शब्द इसलिए बोलते हैं, अत हो गया, ओम हो गया, है ना, इनको मांगलिक शब्द इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के कंठ को भेदन करते हुए उच्चरित किए गए थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मांगलिक शब्द कहा जाता है। और जब क्या करते हैं, कोई भी कार्य आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, जब मांगलिक शब्द का उपयोग करते हैं तो आपका कार्य जो होता है वो क्या होता है, सफल होता है। तो इस प्रकार से आत्रेय भी मांगलिक शब्द का उपयोग करते हुए क्या करते हैं, दीर्घ जीवितम अध्याय की क्या करते हैं, व्याख्या करना शुरू करते हैं। देखो क्या होता है कि तीन प्रकार की इच्छाएं होती है इंसान की, कितनी, तीन प्रकार की इच्छा होती है। जब आप क्या करेंगे, चरक संहिता को देखेंगे, है ना, तो वहां पर आपको इसके व्याख्या में देखने को मिलेगा कि इंसान की तीन इच्छाएं होती है। एक तो कौन सी इच्छा होती है, प्राण ऐसा, एक तो जाएगी क्या, प्राण ऐसा। दूसरी इच्छा होती है धन ऐसा, ऐसा का मतलब क्या होता है, इच्छा, है ना। और तीसरी इच्छा होती है वो क्या होती है, परलोक ऐसा, परलोक ऐसा। तो इस प्रकार से मनुष्य की तीन प्रकार की इच्छाएं होती है ना। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण इच्छा जो है वो क्या है, प्राण ऐसा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके क्या होगी, अच्छी आयु होगी, दीर्घ आयु होगी, तो आपको धन की इच्छा होगी, आपको परलोक की इच्छा भी होगी। ठीक है, अगर मान लो प्राण ऐसा का अभाव हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी की जो दो इच्छाएं हैं उनका भी क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राण ऐसा या आयु की इच्छा रखते हुए
आयु की इच्छा रखते हुए कौन अग्निवेश भी किसके पास जाते हैं, आत्रेय के पास जाते हैं आयुर्वेद के उपदेशों को लेने के लिए ताकि उनकी आयु कैसी हो, दीर्घ हो। तो फिर यहाँ पर आत्रेय जो होते हैं वो क्या करते हैं, अत जैसे मांगलिक शब्दों का उपयोग करते हुए आयुर्वेद का उपदेश देना शुरू करते हैं, किससे, दीर्घ जीवितम अध्याय से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आयुर्वेद का अवतरण। देखो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर से आपको कौन कौन से श्लोक याद करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर से आपको सिर्फ 3 श्लोक याद करना है। एक तो आप ये याद कर सकते हैं, है ना, ये याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आयुर्वेद के अवतरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको याद करना है कौन सा, त्रिसूत्र। थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ ये वाला एक, ये आपको श्लोक याद करना है और एक याद कर लो बस, ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ बस। त्रिसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हेतु लिंग और औसत के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आगे। तो ये त्रिसूत्र है ना, त्रिस्कंद आयुर्वेद, इसका श्लोक आपको याद कर लेना है और आयुर्वेद के अवतरण का। बाकी तो आज का जो लेक्चर है ना, आपको ऐसा लगा कि हम क्या कर रहे हैं, कहानी को सुन रहे हैं। मतलब यहाँ पर आयुर्वेद के अवतरण जो है वो एक प्रकार से कहानी के रूप में बतलाया गया है। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं यहाँ पर अगला श्लोक। अगला श्लोक आप यहाँ पर देख सकते हैं, दीर्घ जीवितम इच्छेवन भारद्वाज उपागमत इंद्र इंद्रम उग्र तपा बुद्धवा शरणयम मरेश्वरम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कठोर तपस्या करने वाला दीर्घ जीवन की इच्छा रखता हुआ भारद्वाज, क्या हो गया, कठोर तपस्या करने वाला और दीर्घ इच्छा, दीर्घ आयु की इच्छा रखता हुआ भारद्वाज किसके शरण में जाता है, इंद्र के शरण में जाता है। यह जानकर कि उसको ये पता है कि जब इंद्र के शरण में कोई भी जाता है, जब कोई भी इंद्र के शरण जाता है तो इंद्र जो होते क्या करते हैं, उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। और अगर मान लो उसको किसी प्रकार के कष्ट हो गए तो उसको कष्ट से क्या करते हैं, मुक्ति भी दिलाते हैं। तो ये जानकर भारद्वाज भी किसके शरण में जाता है, इंद्र के शरण में जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारद्वाज ऋषि शरण समझकर, अर्थात जो उसके शरण में जाता है, किसके शरण में, भगवान इंद्र के, उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। कौन, भगवान इंद्र। वे कष्ट को दूर करने में समर्थ यह जानकर इंद्र के पास गए। ठीक है, तो यह जानकर कि भगवान इंद्र के शरण में जो कोई भी जाता है तो भगवान इंद्र जो होते हैं उसके प्राणों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। उसे अगर मान लो कोई कष्ट है तो उसके कष्टों से भी क्या करते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। तो यह सब जानकर भारद्वाज जो होता है किसके शरण में जाता है, इंद्र के शरण में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला श्लोक है, आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा। तो यहाँ पर आयुर्वेद के अवतरण के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आयुर्वेद का स्मरण किया था, किसने किया था, ब्रह्मा जी ने किया। ठीक है, फिर ब्रह्मा जी ने इस आयुर्वेद के ज्ञान को किसको अवगत कराया, दक्ष प्रजापति को अवगत कराया। दक्ष प्रजापति ने किसको, दो अश्विनी कुमार को। अश्विनी कुमार ने किसको, इंद्र को, है ना। अश्विनी कुमार ने किसको दिया, इंद्र को दिया, और इंद्र ने फिर भारद्वाज को दिया, है ना। तो भारद्वाज देखा था ना हमने, भारद्वाज किसके शरण में गए थे, इंद्र के शरण में गए थे। तो इंद्र ने ये जो आयुर्वेद का ज्ञान है किसको दिया, भारद्वाज को दिया। फिर भारद्वाज ने किसको दिया, पुनर्वसु आत्रेय को दिया, है ना। और फिर पुनर्वसु आत्रेय के पास कौन आते हैं, अग्निवेश आते हैं। कौन आते हैं, अग्निवेश आते हैं। क्या दीर्घ, हमने देखा था ना, दीर्घ आयु की इच्छा रखते हुए कौन, अग्निवेश किसके पास आते हैं, पुनर्वसु आत्रेय के पास आते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आयुर्वेद का अवतरण होता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ब्रह्मा ने स्मरण किया आयुर्वेद का, फिर ब्रह्मा जी ने प्रजापति को अवगत कराया, है ना। फिर प्रजापति ने किसको, अश्विनी कुमार को। अश्विनी कुमार ने किसको, इंद्र को। फिर इंद्र ने किसको दिया, इंद्र ने भारद्वाज को दिया। फिर भारद्वाज ने पुनर्वसु आत्रेय को दिया, और फिर पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश आदि 6 शिष्य थे। कौन कौन से, भेल हो गया, जत्तुकर्ण हो गया, है ना, हारित हो गया, पाराशर और छारवाणी। इस प्रकार से 6 शिष्य थे, है ना, 6 शिष्य थे। इनको क्या हुआ, आयुर्वेद का ज्ञान मिला। तो इस प्रकार से क्या होता है, आयुर्वेद का अवतरण होता है। तो आप इसका श्लोक भी यहाँ पर देख सकते हैं, क्या दिया है यहाँ पर श्लोक में, ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जगराह निखिलेन आद अश्विनो तु पुनस्ततः अश्विभ्याम भगवा चक्रम चक्रह प्रतिपेदेह केवलम ऋषि प्रोक्तो भरद्वाज भरद्वाजस्त इस्माच क्रमुपागमतम। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि ब्रह्मा जी ने इसको अवगत कराया दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति ने ज्ञान किसको दिया, अश्विनी कुमार को दिया, है ना। फिर अश्विनी कुमार ने आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया, इंद्र को दिया। फिर इंद्र ने किसको दिया, पुनर्वसु आत्रेय को दिया,
है ना। और पुनर्वस आत्रेय भारद्वाज को दिया, भारद्वाज ने किसको दिया, पुनर्वस आत्रेय को दिया, और आत्रेय ने फिर किसको दिया, अग्निवेद आदि छह शिष्य थे उनको आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, आयुर्वेद का अवतरण होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला श्लोक दिया है महर्षियों के एकत्र होने का कारण, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि जब तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आदि पवित्र कार्यों में संपूर्ण आयु को समाप्त करने वाले पुरुषों में विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाले रोग उत्पन्न होने, देखो जब मतलब क्या होते थे, जो ऋषि तप भी करते थे, उपवास भी करते थे, अध्ययन भी करते थे, ब्रह्मचर्य को फॉलो करते थे, व्रत को भी फॉलो करते थे, मतलब आदि पवित्र कामों में जो लगे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें क्या हो रहे थे, रोग उत्पन्न होने लगे थे। फिर भी उन्हें क्या हो गए थे, संपूर्ण आयु को समाप्त करने वाले पुरुषों में जब क्या हो गए थे, विघ्न बाधा उत्पन्न करने वाले क्या होने लगे थे, रोग उत्पन्न होने लगे थे। तब प्राणधारियों पर दया भाव को आगे कर पुण्य कार्य करने वाले महर्षिगण हिमालय पर्वत के एक सुंदर भाग में एकत्रित हुए। तो जब क्या हुआ कि जो ऋषि मुनि तप भी कर रहा है, ब्रह्मचर्य को भी फॉलो कर रहा है, उपवास भी कर रहा है, मतलब इस तरह से आदि पवित्र कार्यों में जो लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्या हो रहा है, रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन रोगों को शांत करने के लिए या इन रोगों के उपाय के लिए जितने भी ऋषि मुनि थे वो कहाँ पर एकत्रित हुए थे, हिमालय पर एकत्रित हुए थे कि इसका क्या उपाय हो सकता है। तो ये उपाय निकालने के लिए सब कहाँ पर एकत्रित हुए थे, हिमालय पर एकत्रित हुए थे। अभी भी हम देखते हैं ना कि अगर मान लो कोई भी मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता है, है ना, अभी भी मान लो कोई क्या बोल सकते हैं अपन, किसी मान लो किसी व्याधि फैलने लगती है, तो उस व्याधि को शांत करने के लिए, उसके उपाय को निकालने के लिए क्या होता है, कमेटी बिठाई जाती है, फिर आप क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस, एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस ले आता है। तो आप देखिए चरक संहिता के टाइम पे भी, मतलब पहले भी इस तरह की क्या होती थी, कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। तो जितने भी ऋषि मुनि थे वो इन रोगों को उपाय, इन रोगों को शांत करने के उपाय के लिए, है ना, उपाय निकालने के लिए ये सब क्या हो गए थे, एकत्रित हुए थे। कहाँ पर, हिमालय पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरणाम तप उपवास अध्ययन ब्रह्माचर्य व्रत व्रत आयुष्याम तदा भूतेष्वनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षयः समेताः पुण्यक्रमाणः पार्श्वे हिमवतः शुभेः। तो जो तप अध्ययन ब्रह्माचर्य को फॉलो करने वाले, है ना, जो लोग थे, मतलब जो पवित्र कामों में लगे हुए थे, लेकिन उनको भी क्या हो रहे थे, रोग उत्पन्न हो रहे थे, है ना। तो इन सारे रोगों के उपाय के लिए जितने भी ऋषि मुनि थे वो कहाँ पर एकत्रित हुए थे, हिमालय पर एकत्रित हुए थे, इन सारे रोगों को शांत करने के उपाय को निकालने के लिए कहाँ पर एकत्रित हुए थे, ये हिमालय पर एकत्रित हुए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद क्या हुआ, महर्षियों की गणना। अब इसमें से टोटल महर्षि कितने थे, एमसीक्यू में आ सकता है। तो यहाँ पर देखो ये जो श्लोक है ना, ये आपको याद नहीं करना है, आपको याद बिल्कुल नहीं करना है ना। यहाँ पर सिर्फ क्या दिया गया है, महर्षियों के नाम, ये जो जितने भी आपको दीप्ते बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब क्या है, महर्षियों के नाम है। और टोटल महर्षि यहाँ पर कितने हैं, 53 महर्षि है। टोटल महर्षि यहाँ पर कितने आए थे, कितने ऋषि मुनि आए थे, एकत्रित हुए थे, तो 53 मुनि जो हुए थे वो क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे, जिनमें कौन कौन से थे, अंगिरा था, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम, शांक्य, पुलस्त्य, नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, मार्कंडेय, फिर आश्वलायन, परीक्षिह, भिक्षु, आत्रेय, कपिंजल, विश्वामित्र, आश्वरथ्य, भार्गव, चिवयन, अभिजीत, फिर गार्गय, सांडिल्य, कौंडिन्य, वाक्षी, देवल, गालव, सांकृत्य, वैजवापी, कुशिक, बादरायण, बडीश, सरलोमा, काप्य, कात्यायन, कंकायन, केकेश्य, सेम्य, मरीचि, काश्यप, शर्कराक्ष, हिरण्याक्ष, लोकाक्ष, पेंगी, सोनिक, साकुने, मैत्रेय, मेमतायनी, फिर कौन थे, फिर वैरवानस, फिर बालखिल्या और अन्य महर्षिगण, मतलब इसके अलावा और भी महर्षिगण थे जो ब्रह्मा ज्ञान दम और नियम के निधि थे एवं हवन से प्रज्वलित अग्नि के समान तपस्या के तेज से दीप्यमान थे। यह महर्षि हिमालय के, तो ये जितने भी मतलब ज्ञानी महर्षि थे वो सब कहाँ पर एकत्रित हुए थे, हिमालय के सुंदर भूभाग में सुखपूर्वक सभा में बैठकर इस पुण्य कथा की चर्चा करते थे। तो इतने सारे महर्षि हिमालय के कहाँ पर, हिमालय के सुंदर भूभाग में एकत्रित हुए थे और रोगों के उपाय क्या हो सकते हैं इसके बारे में क्या करते थे, वो चर्चा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, रोगों का धर्म आदि प्राप्ति में बाधकत्व,
देखो यहाँ पर क्या गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में विभक्त पुरुषार्थ का आरोग्य ही प्रधान कारण है। मतलब जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष में लगे हुए लोग हैं, है ना, उन सबका में जो इनमें लगे हुए है ना, उन सबका मेन कारण क्या है, उन सबका मेन कारण क्या है कि उनको क्या रहना है, हेल्दी रहना है। आरोग्य उनका क्या है, प्रधान कारण है, है ना। जो लोग क्या किस में लगे हुए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब में विभक्त, इन सब में लगे हुए, तो उन सबका मेन जो कारण है, प्रधान कारण है, वो क्या है, उनको क्या करना है, हेल्दी रहना है। लेकिन अगर मान लो उनको, मान लो किसी न किसी प्रकार क्या होता है, रोग हो जाता है, तो उनके लौकिक और अलौकिक, उनका क्या होती है, लौकिक और अलौकिक क्या होते हैं, मतलब ये मान लो उनको किसी प्रकार कोई रोग हो गया, तो रोग होने के कारण क्या होता है, उनका लौकिक और अलौकिक सुख जो होता है, क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर पहले लाइन के दिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में विभक्त पुरुषार्थों को मेन जो काम होता है, प्रधान काम जो होता है, वो क्या होता है, उनको आरोग्य रहना है। मतलब जो धर्म मोक्ष है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सबके कार्यों में जो लगे हुए हैं, उन सबका प्रधान कारण जो है, उनको क्या रहना है, हेल्दी रहना है। लेकिन अगर मान लो उनको क्या होता है, रोग हो जाता है, तो उनका लौकिक और अलौकिक सुख जो होता है, वो क्या होता है, नष्ट होने लगता है। तो इन रोगों को उपाय के लिए, इन रोगों के उपाय के लिए सभी जो महर्षि थे वो क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। तो इस रोग का शांति के उपाय है ना, ऐसा कहकर महर्षिगण इस रोग के शांति का मार्ग निकालने के लिए क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे, ध्यानस्थ हो गए थे। तब ध्यान अवस्था में ही वे दिव्य दृष्टि से यह देखे कि इंद्र ही हम लोगों के शरण है, अर्थात यदि उनके शरण में हम लोग जाएंगे तो वह अमर प्रभु यथावत उचित रूप में रोगों का शांत का उपाय बतलाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या बोल रहे हो कि जो लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब के कामों में लगे हुए, तो उनका जो प्रधान कारण है वो क्या है, आरोग्य रहना है। मतलब उनको क्या रहना है, हेल्दी रहना है। अगर मान लो उनको किसी किसी प्रकार का क्या हो जाता है, रोग हो जाता है ना, तो उनका लौकिक और अलौकिक सुख जो होता है, क्या होता है, नष्ट होने लगता है। तो इस रोगों को क्या उपाय हो सकता है ना, तो इन रोगों के उपाय निकालने के लिए सभी महर्षि क्या होते, एकत्रित हुए थे, ध्यानग्रस्त हुए थे, कहाँ पर, हिमालय पर। और फिर वो सोचने लगे कि हम कैसे रोगों को नष्ट कर सकते हैं, है ना। तो उनके दिमाग में आया कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, इंद्र के शरण ही लेना पड़ेगा, है ना। और अब हम मतलब इन रोगों का उपाय हमको कौन बतला सकता है, इंद्र ही बतला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या कर रहे थे, चर्चा करने लगे। तब हम देख सकते हैं इंद्र ही अब हम लोगों के शरण है, अर्थात यदि उनके शरण में हम लोग जाएंगे तो वह अमर प्रभु यथावत उचित रूप से रोगों के शांति का उपाय बताएंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि इंद्र ही अब हमारी जो प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन बता सकते हैं, मतलब रोगों को कैसे शांत कर सकते हैं। तो ये कौन बतला सकता है, इंद्र ही बतला सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंद्र की शरण लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जितने भी महर्षि थे वो क्या करने लगे थे, चर्चा करने लगे थे, ध्यानग्रस्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं अब, लेकिन यहाँ पर चलो इंद्र उन्होंने ये सोचा कि हमको इंद्र की ही शरण लेना पड़ेगा, वही हमें क्या करेंगे, रोगों के उपाय को बताएंगे। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा था कि इंद्र के पास जाएगा कौन। तब यहाँ पर देख सकते हैं, अभी श्लोक आपको याद नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न ये था कि प्रश्न उपस्थित हुआ कि सचापति इंद्र से पूछने के लिए इंद्र के भवन तक कौन जाएगा। अब प्रश्न क्या रहा, प्रश्न ये रहा कि इंद्र के भवन में आखिरकार जाएगा कौन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए आंगरा आदि ऋषियों ने भारद्वाज ऋषि को इस कार्य में नियुक्त कर दिया। तो अब भगवान इंद्र के पास जाने के लिए किसको नियुक्त कर दिया गया था, भारद्वाज को फिर नियुक्त कर दिया है ना। तो फिर इंद्र के भवन में जाकर उन्होंने देव ऋषियों के मध्य में प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी बल नाम असुर को मारने वाले इंद्र को देखा। तो फिर भारद्वाज को सभी ऋषियों ने किसको नियुक्त किया था, भारद्वाज को। भारद्वाज कहाँ पर जाते हैं, इंद्र भवन में जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, इंद्रों से मिलते हैं। बुद्धिमान भारद्वाज ने इंद्र के पास जाकर जय सूचक आशीर्वादों से इंद्र का अभिनंदन करके ऋषियों का उत्तम वचन प्रस्तुत किया। ठीक है, तो फिर भारद्वाज जो है वो कहाँ गए, इंद्र भवन में गए। इंद्र भवन में जाकर इंद्र जी का अभिनंदन करके उन्होंने जो भी ऋषि के सूचक थे, है ना, ऋषि मुनियों के जो भी सूचक थे या वचन थे, उसको इसको बतला दिया, इंद्र को बतला दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंद्र का अभिनंदन करके ऋषियों का उत्तम वचन किसको बता दिया, किसके सामने प्रस्तुत किया, इंद्र के सामने प्रस्तुत किया। हे अम प्रभु, सब प्राणियों के भय देने वाली व्याधियां उत्पन्न हो गई है, इसलिए आप इनकी शांति का उपदेश करें। तो फिर उन्होंने क्या बोला इंद्र जी को कि हे अम प्रभु, सभी प्राणियों को भय
भय देने वाले, मतलब क्या हो गया, भय देने वाली व्याधियां उत्पन्न हो गई है। इन व्याधियों को शांत करने के लिए कुछ न कुछ आप क्या करें, उपाय बताएं, है ना। तो तब भगवान इंद्र ने भारद्वाज को परम बुद्धिमान समझकर थोड़े ही शब्दों में, संक्षेप में, शब्दों के द्वारा संपूर्ण आयुर्वेद को संक्षेप रूप में क्या कर दिया, उपदेश कर दिया। तो फिर छोटे ही शब्दों में या संक्षेप में ही आयुर्वेद के उपदेश दे दिए, किसको, भगवान इंद्र को, भगवान इंद्र ने किसको दे दिए, भारद्वाज को दे दिए, ठीक है। उसके बाद त्रिसूत्र आयुर्वेद, और वो संक्षेप में, संक्षेप में आयुर्वेद का उपदेश क्या था, त्रिसूत्र आयुर्वेद, त्रिस्कंद आयुर्वेद, जिसमें क्या हो जाएगा, हेतु लिंग और औषध हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, त्रिसूत्र, त्रिसूत्र जो था ये क्या था, आयुर्वेद का उपदेश था, ये क्या था, आयुर्वेद का, आयुर्वेद का उपदेश था, जो कि इंद्र ने किसको दिया, जो कि इंद्र ने किसको दिया, जो कि इंद्र ने किसको दिया, भारद्वाज को दिया, क्या दिया, त्रिसूत्र या त्रिस्कंद आयुर्वेद। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, हेतु आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। और यही तीन जो है, यही तीन जो है, यही तीन जो है, ये क्या है, आयुर्वेद के उपदेश है, ये क्या है, आयुर्वेद के उपदेश है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुभुते यम पितामहः। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेतु, हेतु का मतलब क्या होता है, रोग का कारण क्या है, है ना। और हेतु जो है वो स्वस्थ का भी कारण बता, हेतु में स्वस्थ का भी कारण बताया है और रोग का भी कारण बताया है ना, स्वस्थ रहने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और रोग के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो हेतु में क्या जाएगा कि आखिरकार स्वस्थ रहने क्या कारण है या रोग के कारण क्या है, ठीक है। उसके बाद लिंग, लिंग की बात करते हैं तो रोगों के चिन्ह, मतलब आपको रोग हो गया तो उसके सिम्टम क्या है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है रोग के, है ना। उसके बाद औषध, अगर मान लो आपको रोग हो गया तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसके कौन कौन सी मेडिसिन है, ठीक है। तो संशोधन या संशमन रूप चिकित्सा, स्वस्थ एवं रोगी के लिए परम गति और जिसका पितामह ने प्रथम ज्ञान किया था, उस तीन सूत्र वाले पुण्य श्रेष्ठ और नित्य सनातन आयुर्वेद का इंद्र ने उपदेश किया। तो ये हेतु जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेद का उपदेश बोलते हैं, जिसमें क्या जाएगा, मतलब ये त्रिसूत्र जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेद का उपदेश बोलते हैं, जिसमें क्या जाएगा, हेतु लिंग और औषध आ जाएगा, ठीक है। जिसका सर्वप्रथम किसने स्मरण किया था, ब्रह्मा ने स्मरण किया था। तो ये जो त्रिसूत्र का ज्ञान जो है या आयुर्वेद का उपदेश जो है, फिर इंद्र ने किसको दिया था, भारद्वाज को दे दिया था। हेतु का मतलब क्या होता है कि रोगों का कारण क्या है, यहाँ पर स्वस्थ और रोग दोनों के बारे में बात की गई है, ठीक है, हेतु में। उसके बाद क्या जाएगा, लिंग, लिंग की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है रोग के, रोग के क्या सिम्टम है, और औषध, उस रोग का क्या चिकित्सा हो सकती है, समन हो सकता है, शोधन चिकित्सा हो सकती है, मतलब जो भी चिकित्सा हो सकती है, कौन कौन सी मेडिसिन हो सकती है, इसके बारे में बताया गया है। इस तरह से तीन सूत्र में आयुर्वेद का उपदेश दिया गया, किसने दिया, इंद्र ने, किसको दिया, भारद्वाज को दिया, क्या क्या हो जाएगा, हेतु लिंग और औषध हो जाएगा, ठीक है। तो वह बुद्धिमान मुनि भारद्वाज शीघ्र ही जिस आयुर्वेद का न आदि है, ऐसे त्रिस्कंद, त्रिस्कंद का जाएगा हेतु लिंग और औसत, संपूर्ण आयुर्वेद का ध्यान पूर्वक अध्ययन करते हुए ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लिए। इस प्रकार से फिर इंद्र से भारद्वाज ने त्रिसूत्र के द्वारा आयुर्वेद के उपदेश को जान लिया। फिर भारद्वाज ने यही आयुर्वेद के उपदेश से अन्य ऋषि मुनियों को दिया, ठीक है। तब यहाँ पर देख सकते हैं, आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान और उसका अनुष्ठान कर भारद्वाज ने सुख युक्त अमित आयु को प्राप्त किए, और जो आयुर्वेद का उपदेश प्राप्त किए वे सभी उपदेश किसको सुना दिए, ऋषियों को सुना दिए, ठीक है। दीर्घ जीवन की इच्छा करते हुए ऋषिगण प्रजा हित कर और आयु को बढ़ाने वाले वेद आयुर्वेद को भारद्वाज से ग्रहण किया, और बाकी ऋषि मुनियों ने दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए आयुर्वेद के उपदेश का भारद्वाज से क्या किया, ग्रहण किया। इस प्रकार से क्या होता है, आयुर्वेद का अवतरण होता है। तो सबसे पहले ये जो त्रिसूत्र था या जो आयुर्वेद का उपदेश जो है, ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इसका स्मरण किया, है ना। फिर ब्रह्मा जी से फिर प्रजापति, प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार ने फिर इंद्र ने यह ज्ञान किसको दिया, भारद्वाज को दिया, फिर आत्रेय को दिया, फिर आत्रेय ने अग्निवेश आदि शिष्यों को दिया, और इस प्रकार से जितने भी ऋषि मुनियों थे उन सबको क्या मिला, आयुर्वेद का उपदेश मिला, ठीक है। और इस प्रकार से रोगों के उपाय, है ना, रोगों के उपाय मिले।
तो क्या जाएगा त्रिसूत्र के द्वारा, आयुर्वेद के उपदेश में क्या क्या हो जाएगा, त्रिसूत्र, जिसमें कहा जाएगा हेतु लिंग और औषध, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का। इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, उसके बाद अगर आएगा तो आयुर्वेद का अवतरण आ सकता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने एकदम बेसिक लेक्चर, एक तो देखो ये तो एकदम बेसिक लेक्चर था, है ना, और यहाँ पर आपको रटना भी नहीं है, इसको याद भी नहीं करना है, एक बार आपको इसको कर लेना है, बस पढ़ लेना है, गो थ्रू आपको कर लेना है। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या जाएगी, पिक्चर बैठ जाएगी, यहाँ पर आपको रटने की जरूरत है ही नहीं, है ना, एकदम आसान चैप्टर है ना, इसलिए मैं भी यहाँ पर इतना ज़्यादा डीप में बात की नहीं, एकदम कहानी के रूप में मैंने आपको यहाँ पर पूरी चीज़ें बतला दी कि किस प्रकार से आयुर्वेद का अवतरण हुआ। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, त्रिसूत्र है, जो क्या जाएगा हेतु लिंग और औषध, जिसे हम क्या कहते हैं आयुर्वेद का उपदेश बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें देख ली किस प्रकार से आयुर्वेद का अवतरण हुआ और त्रिसूत्र क्या होता है, हेतु लिंग और औषध हम देख ले। हेतु का मतलब क्या होता है, रोगों का क्या कारण है ना, फिर लिंग का मतलब सिम्टम्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, और औषध, औषध मतलब उस रोग की क्या मतलब मेडिसिन क्या है, औषधि क्या है, या चिकित्सा क्या कर सकते हैं, समन कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं, मतलब क्या मेडिसिन है, ठीक है, या क्या ट्रीटमेंट है उसका। इस प्रकार से हमने यहाँ पर त्रिसूत्र देख लिया है ना। अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर हम क्या करेंगे, षट पदार्थ को देखेंगे। इस जो चैप्टर है इसके चार लेक्चर और आएंगे तो हमारा जो ये टॉपिक है ना, प्रथम अध्याय जो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।